ये घोड़ों का रास्ता है लगता है, घोड़े। चेक दिस आउट गाइस, ओ माय गॉड, देख पा रहे हो, ये नेचुरल फ्रूट है कसम से। ये तेज से चल के आऊँ, पैदल चल के आऊँ, इससे गर्मी लगी है। बाकी यार व्यू तो मस्त है, ठंडा ठंडा फील। हे माय स्वीट एंड प्यार इज गुड मॉर्निंग सबको, कैसे सभी, उम्मीद करो स्वीटी हम भी बढ़िया है। कैन दी पोर्ट जगह से वेलकम बैक टू न्यू एंड फ्रेश एपिसोड। तो कई फिल्म उठे और हमारे बालों की ऐसी हालत है, फिर चलते हैं, पहले होते हैं फ्रेश, देन आफ्टर अपन ब्रेकफास्ट मिलता है आपसे। सो मच फिल्म, फिल्म में भी नहा के आ चुका हूँ अपने रूम में। फिल्म तैयार कहीं में हो रहा था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि घर वाले बोल रहे कहीं जाना है फतेह खाने के लिए, तो फिलहाल घर लेके वहाँ जाना पड़ेगा आज। तो जाना है पीछे जो हमारा पुराना गाँव था, मतलब जब दादी के टाइम जब हमारी जगह थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा पुराना गाँव है, तो वहाँ जाना किसी की डेथ हुई है, तो वहाँ जाना किसी की फतेह खाने की डेथ पहले हो चुकी है, आज फतेह खाने के लिए जाना है। तो फिलहाल आप रेडी वहाँ के लिए होना पड़ेगा, पहले रेडी अलग अलग होता बट अब रेडी मुझे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन अलग है और जाना भी अलग है, तो रेडी भी हमें अलग ही होना पड़ेगा। तो फिलहाल फटाफट होते हैं रेडी, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनल हो रेडी, लगा जिस लॉज मीन्स जो लगा था ईद पे नहीं लगा पाया, बट आज लगाई मैंने एक ही दिन, तो फिलहाल ये सुबह लगा दी सूट। तो फिलहाल मैं तो रेडी हो गया हूँ, फिर फिलहाल टाइम भी हो चुके हैं 8:51। तो फिलहाल पहले चलते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर निकलेंगे फटाफट चलते। तो ब्रेकफास्ट में आज चपाती और चाय करते हैं ब्रेकफास्ट। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट हो चुका है, आज के बाहर आते हैं गाड़ी फटाफट, फिर बाइक करना कोल्ड स्टार्ट करनी गाड़ी मुझे। हेयर इज आवर मसाकली, प्यारी सी क्यूट सी मसाकली है, करते हैं इसको स्टार्ट, इसे कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं इसको, उन्हें लेके गाड़ी जाएंगे। बिस्मिल्लाह दोकल तो लिल्ला ही लाओ। तो फिलहाल ये रही हमारी गाड़ी, आज हम ये गाड़ी के जा रहे हैं, कदन की गाड़ी है, तो उन्हीं की फैमिली जा रही है साथ में, न्यू घर लेके जा रहे हैं फिलहाल हम। तो फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, उसके निकलते हैं जब जाना पहले ओल्डर वाले के लिए, उसके बाद बाकी काम करने हैं। तो फिलहाल मैं आया था बाइक लेके, इसमें तेल लेके गया हूँ, क्योंकि गाड़ी में कागज़ नहीं थे डॉक्यूमेंट, तो फिलहाल इसी में आया हूँ तेल डालने के लिए। तो चलते हैं वापस, अब तो निकलते हैं फटाफट, काफ़ी लेट हो गया आगे। सो निकलते हैं घर से, वहाँ निकलेंगे तो चलते हैं, मिलते हैं आपको। तो फिलहाल पहुँचे हूँ दरहाल, यहाँ कुछ सारा सामान वगैरह हमने दरहाल थे, तो यहाँ से निकल रहे फटाफट हम, ये नेक्स्ट कर रहे हैं हम, तो गाड़ी में ये है और सब्ज़ी रखते हैं यहाँ से। तो फिर निकलते हैं दरहाल से हम आगे, फाइनली गाइस अभी पहुँचे हम बुद्ध किनारी। यार कितना खतरनाक व्यू, बॉयगढ़ खतरनाक यार, बहुत खतरनाक व्यू है। 10-15 मिनट लगे आगे, हमें रोड ख़राब है, तो बाकी सवारी में उतर गए, क्योंकि रोड ख़राब थी, नीचे स्लाइडिंग थी बहुत ज़्यादा, तो उनसे डिस्क नहीं लेते, तो उनको उतार दिया है। तो फिर हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, गाड़ी हमने पीछे लगा दी है, क्यों अगर रोड कच्ची है तो हमारी गाड़ी ज़्यादा दमदार नहीं है, तो कहीं ख़राब ना, कहीं फंस ना जाए, ना ही 4x4 है, तो उसने गाड़ी में पीछे लगा दी है, तो कैसे जा रहे हैं पैदल हम आगे। सर रोड का कुछ ऐसा हालत है यहाँ पर, लेकिन व्यू मस्त है, रोड जैसी मर्जी है लेकिन व्यू बहुत ख़तरनाक है, फॉग ही फॉग है। तो फिर चलते हैं हम पे अंदर और करते हैं फतेह खाने, उसके बाद दिखाते हैं आपको थोड़ा सा व्यू, तो फिर निकलेंगे वापसी के लिए। भैया सुकून कहो तो यही है, बस सुकून चाहिए ना, बस इन वादियों में आ जाओ, कसम से जो व्यू मैं आपको देख रहा हूँ खुद और खुद महसूस कर सकते हो यहाँ पे आके। फिलहाल यहाँ से जाना मुझे नीचे चलाना, कि भैंस भी है, मैं इसे मारना शुरू कर दे। तो फाइनली पहुँच के नीचे घर है, तो ये रहा ब्रिज जो टोपर रोड से यहाँ आता है, क्या भयंकर नज़ारा बैगढ़, खतरनाक, नेक्स्ट लेवल यार, पहाड़ी पहाड़, पौधे पौधे, फॉग, खतरनाक भी खतरनाक। बट रोड यहाँ भी पहुँच चुकी है, ये पार ये भी रोड है, ये भी रुक, यहाँ से उच के हम फ्री, तो निकलते हैं हम वापसी के लिए, रास्ते में लंच वगैरह के रास्ते में करेंगे हम, हमारे यहाँ पर लेटू हैं वो लंच के लिए करेंगे। चेक दिस शॉट गाइस, कसम से बैगढ़ ये यार व्यू नज़ारे ना, ये नज़ारे कसम से कहीं मिल सकते आपको। तो फिलहाल मैं ना कैब मंगाई मैंने, तो यहाँ जो लोग बोले हैं, बोले आफ साहब, मैंने कहा आफ साहब तो मैं नहीं हूँ भाई, मैंने सिंपल कैब लगाई है, शौक से कैब लगाई है, बाकी सवारी में तो मेरी ऐसी आती है जन चैनल रहती है, जब बाहर आते हैं हम फिलहाल। तो फिर जाते हैं दरिया पे, थोड़ा सा काम शाम करना अपना, पता ही आपको हल्का भरा होना है,
तो चलते हैं दरिया पे, हल्का ही बहुत है साथ में, तो साथ में दरिया का व्यू देख लेंगे। तो ये जगह काफ़ी फेमस जगह है, इस जगह का नाम छा मतलब जो हमारे डॉग भी है वो इसी रास्ते जाती पीछे, काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन हम पैदल आते थे यहाँ से आते, यहाँ पर एक नाइट में स्टे यहाँ पर होता था, फिर यहाँ से आके निकलते थे हम। तो फिर हम चलते हैं दरिया पे, दिखाते हैं मस्त व्यू, मिलते हैं। ये है घोड़ों का रास्ता है लगता है, घोड़े बहुत लगे हुए हैं, उस रास्ते चलते दरिया यहाँ से गंदा है, पीछे जेसीबी लगी हुई, पूल का काम चल रहा है, जेसीबी लगी हुई है। चेक दिस आउट गाइस, ओ माय गॉड, देख पा रहे हो ये नेचुरल फ्रूट है कसम से, ये भैया नेचुरल फ्रूट शामिल हुआ है, ये भी अनेमिडीज भी है, हाँ देसी दवाइयों की दुकान, देखो ओ माय गॉड कितने सारे हैं यार यहाँ पे, मैं खाते हैं इनको, हम मिलते हैं आपको बाद में। बाकी लोग पीछे आ रहे हैं, मैंने कल आगे गाड़ी नहीं निकालनी है, आगे लाना मैं तो चाय कुछ गाइस। ये है दूध, गाँव में आने का फ़ायदा है कि दूध मिलेगा आपको यार, वो भी ठीक ठाक तादाद में। तो फिर चलते हैं, ऐसा कुछ रुपये है, गाड़ी तो नहीं हंसती क्योंकि ये थोड़ा भी पत्थर पर कहीं ऊपर नीचे, ट्रैक्टर बड़ा इजली बोलोरो बड़ा फोर व्हीलर गाड़ी आराम से चल सकती है, छोटी गाड़ी से दिक्कत है। व्यू मस्त है यार, जहाँ कैंपिंग के जा रहे हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, खतरनाक व्यू है, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो फिर पढ़ने रहे मस्त, जितना वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़, शुक्रिया। तो फिलहाल मैं तो पहुँचो गाड़ी में, बाकी लोग पीछे जा रहे हैं, क्यों ताऊ जी हैं, ताई जी साथ में, चाची हैं, तो फिलहाल वो आ रहे हैं, तब तो करते हैं वेट। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, टोपी उतार दी है, गर्मी इसलिए लगी, क्यों चल के आया हूँ मैं, तेज़ से चल के आया हूँ, कब पैदल चल के आया हूँ, इसलिए गर्मी लगी है। तो बाकी यार व्यू तो मस्त है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है, फॉग चल रही है हर तरफ, नज़ारे नज़ारे हैं। तो आपको आना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, ऐसे घर में बैठने क्या करो, बोरिंग लाइफ, जिन्हें अच्छा है कि बेहतर है और पहाड़ों में घूमें, जो नज़ारा यहाँ पे वो कहीं भी नहीं है। तो फिलहाल हम करते हैं वेट, कहते हैं शाम को कुछ खाते पीते हैं, फिर हम गाड़ी मोड़ते हैं, उन निकलेंगे घर के लिए। गाड़ी देखो बीच रोड में खड़ी है, फिर आते हैं शॉप पर, यहाँ पर शॉप ही नहीं है, एक शॉप मिली उसे क्रंची वंची साथ में लगने लिए, बाकी बंदे आ नहीं रहे, वो कहीं बैठ गए किसी के घर गपशियों के लिए, किसी लेटे उधर बैठ गए, तो मैं पहले निकला था, तो वेट करना पड़ेगा फिर से। अरे मुझे भूख लगी थी और कुछ मिला नहीं, तो ये लेके फिर आ चुका हूँ मैं, अब बैठते हैं गाड़ी में, ये खाते हैं करते हैं वेट, फिर आएंगे फिर निकलेंगे हम। क्या ही कर सकते भैया, हम पहले आ गया, नुकसान ही हो गया, चाय कप हमारा वेस्ट हो गया। फिलहाल तो फॉग ही फॉग हो गई है, तो हमारे बंदे आ रहे हैं, फिर घर लेके चलते हूँ आगे, हटकट रास्ता आएगा वहाँ पर, वहीं चलते हैं, वहीं निकलते हैं घर, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फिलहाल लंच हमारा हो चुका है, तो निकलते हैं वापस, पहुंच चुके हैं बेला में, तो यहाँ रुके हैं देखने का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाएंगे। तो लंच हमारा हो चुका था, मैं लेट हुए हैं अंकल वहाँ पे, तो फिर गाड़ी में यहाँ लगा दिए, तो बाकी लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो वो देखते हैं सबसे व्यू। तो निकलते हैं वापसी, लेट हो गया टाइम 5:30। फाइनली गाइस घर पहुँच चुके हैं, अभी टाइम जो हो चुका है 5:47 का टाइम हो चुका है, तो अभी घर पहुँच चुके हैं हम। चलो करते हैं फटाफट ड्रेस चेंज, उसके बाद करने हैं मुझे नमाज इस तरह का, ड्रेस वाला कर ले चेंज, चलते हैं फिर लगाते हैं पानी, पानी वाला काम जो है ख़त्म है, मोटर निकालते हैं यार, मोटर का ज़रूरी है। अब ब्लॉग काम शूट करूँगा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन चुकी है, तो बस शिकार करूँगा, कोशिश करूँगा काम इनमें चीज़ों दिखाने के लिए भाई को दिखाऊँ, तो फिलहाल चलते हैं पानी लगाते हैं तो साथ ही। सो फिलहाल अभी नमाज मगरब अदा कर लिया, तो फिलहाल मैं आया था फ्रिज में कुछ रखने के लिए सामान, तो अब चलना है मुझे धोने कपड़े, क्योंकि पूरा हफ्ते ज़्यादा हो गए कपड़े मैंने धोए नहीं, बिल्कुल कपड़े ज़्यादा सब के सब कपड़े गंदे हैं, तो कपड़े फटा धो लेते हैं फिर आते हैं, फटाफट मिलते हैं आपसे। सो गाइस फिर अभी कपड़े धो लिए हैं, तो फिर आ चुका हूँ किचन में करने के लिए डिनर, फिर हर डिनर में आज है चपाती साथ में कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी दूध बनाई हुई है, तो साथ में सैलड बहुत सारे, तो साथ में गर्म पानी, फिर करते हैं डिनर ना फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। डिनर हो चुका है, तो डिनर के बाद हमारा आज का दूध आंटी का सोया दूध, लेकिन दूध का कौन सा दूध है, जो मतलब कोई भी भैंस या गाय बच देती है ना, उसके बाद जो दूध होता है ना, यार दूध है, फिर पीते इसको करते हैं एंजॉय, फिर करेंगे एडिटिंग, लेकिन आज यहाँ नहीं, आज चलेंगे दूसरे रूम में, वहीं रात को सोएंगे, वहीं करेंगे एडिटिंग वगैरह। तो फिर अभी
पहले ख़त्म करेंगे उसके बाद टेक ऑफ शुरू करेंगे अभी। सो गाइस अभी आ चुका हूं मैं रूम में, तो साथ में लाए मैंने लेज, थोड़ा सा चलेगा लेज में, साथ में करेंगे एडिटिंग हम फिलहाल। तो सुबह कहीं जाना पड़ेगा अर्जेंट, तो फिर एडिटिंग ना हो तो काम ख़राब हो जाएगा। इसे एडिटिंग करके पहले बैकअप वगैरह रख देता हूँ, ताकि अगर अपलोड वगैरह सुबह कर देता हूँ, अगर कहीं कोई दिक्कत वगैरह हो तो फिर टेंशन नहीं है, कहीं चाहिए जाना बहुत जा सकते हैं बिना टेंशन के, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिलहाल चलते करते हैं एडिटिंग वगैरह, उसके बाद फिलहाल आज मुझे यहाँ सोना है सोफ़ा कम बेड पे, तो यहीं सोते हैं। सो मच स्वीट फैमिली, फिलहाल एडिटिंग वाला काम हो चुका है ख़त्म, तो आ रही है बैंकर समय, थक चुका हूँ, टांग में बहुत खतरनाक दर्द है क्योंकि आज दिन को ड्राइव की फ्रीडम के बाद, और थी भी कच्ची रोड और ऑफ रोडिंग, मतलब मैक्सिमम ऑफ रोडिंग था, तो फिलहाल थक भी चुका हूँ बहुत ज़्यादा। एडिटिंग आधी हुई है, आधी मैं सुबह ही करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल सोने लगा, रेस्ट करने लगा हूँ, क्योंकि एडिटिंग वगैरह पूरी तो नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है टांगों में। तो फिर चलते हैं और करते हैं रेस्ट, और आज एक खूबसूरत दिन हो गया ख़त्म। फिलहाल ये व्लॉग में ये था, गए थे मस्त व्यू दिखे हमने, जो व्यू दिखा मैंने तो लाइव बता सकते हैं, लाइव ज़्यादा मज़ा है इस वीडियोग्राफी से। तो फिर आप भी मौका मिला आपको तो नेचर को एंजॉय करना ज़रूर जाओ। फिलहाल करते हैं आज के व्लॉग को यहीं, तो मिलते हैं कल आपको एक नए और फ्रेश जिंदगी के एपिसोड में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। तुम कुछ भी कर लो।